खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र तिवाड़ी। पेश है आज की हेडलाइंस। PTET परीक्षा में OMR शीट बदलने से फैली बद इंतजामी, वहीं कई केंद्रों पर प्रवेश नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में पनपा रोष। अलवर सहित 13 जिलों को ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पर अमल का बना इंतजार, वहीं मंत्री जूली ने जल संकट के लिए भाजपाई जनप्रतिनिधियों को बताया जिम्मेदार। सरिस्का में वन्य जीव गणना का हुआ आगाज, बाघ भगेरों सहित अन्य जीवों की 28 मई तक होगी गिनती। और बीवी से झगड़ा कर घर से निकले पति सहित 2 बच्चे हादसे में हुए घायल, वहीं कार की टक्कर से जख्मी छात्र ने तोड़ा दम। और अब खबरें विस्तार से। PTET की बड़ी परीक्षा रविवार को जिले भर में आयोजित की गई। इस दौरान जिले में 25,000 से अधिक परीक्षार्थियों के लिए 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए। वहीं सुबह 10 बजे बाद पहुंचे परीक्षार्थियों को सिल्वर ओक और लॉर्ड्स स्कूल सहित कई केंद्रों पर प्रवेश नहीं मिल सका। ऐसे में परीक्षार्थियों ने विरोध भी जताया। उधर SMD और नवीन स्कूल में 96 परीक्षार्थियों की OMR शीट एक दूसरे के सेंटर पर पहुंच गई। इसे बदलने में करीब 15 से 20 मिनट का समय लगा। इस कारण इन परीक्षार्थियों को अतिरिक्त समय देना पड़ा। SMD स्कूल की प्राचार्य सीमा शर्मा ने बताया कि सुबह 11 बजे पेपर शुरू होना था, लेकिन OMR शीट खुली तो पता लगा कि 4 कक्षों की OMR शीट बदली हुई है। यानी जो परीक्षार्थी कक्षों में बैठे थे उनके नाम की OMR शीट नहीं थी। इसी दौरान पता चला कि नवीन स्कूल में भी इतने ही बच्चों की दूसरी OMR शीट पहुंच गई थी। दोनों केंद्रों पर सही OMR शीट पहुँचाने में करीब 20 मिनट का समय लग गया। OMR थी ना, उसमें नाम लिखे हुए थे नवाचार्य कि भाई बच्चों के नाम जद आए, जिससे कोई मिस्टेक कभी किसी की हो नहीं। तो इसमें क्या हुआ, जो हमारे पास 4 कमरों की जो OMR आई थी उस वो अपने स्कूल की नहीं होकर नवीन स्कूल की थी, और नवीन स्कूल में हमारे स्कूल की OMR चली गई थी। तो जब हम आपस में जब हमने बातचीत की तो पता चला कि भाई हमारी वहाँ पर है। तो फिर हमने बांसवाड़ा वहाँ जहाँ से डील हो रहा है सारा ये प्रोग्राम एग्ज़ाम, तो वहाँ से हमने गाइड उनसे मांगा, निर्देश मांगे। तो उन्होंने कहा कि आपको ऐसे करना, अभी वहाँ पे हम गाड़ी भेज रहे हैं और आपका कोई भी एक व्यक्ति वहाँ चला जाएगा, वहाँ से अपनी ले आएगा, अपनी वाली ले करके वहाँ पे जा, तो अब चेंज करनी है। कितना विलम्ब हुआ बस उसमें करीब 15 के मिनट के लगभग हुए। तो उतने ही समय उन्होंने जिस निर्देश मिले थे उसके अकॉर्डिंग ही हमने जितना हमने लेट किया उतने ही मिनट हमने बच्चों को एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है और कंपटीशन है, तो इसलिए हमने बनाया जिससे बच्चों को नुकसान। वहीं राजकीय यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए केंद्र पर 90% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। अभ्यर्थियों को विभाग के दिशा निर्देशानुसार ड्रेस कोड सहित प्रवेश दिया गया। प्राचार्य डॉक्टर घनश्याम सैनी ने बताया कि यहां 312 अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र है। PTET प्री टेस्ट BEd 2 वर्षीय व 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd BSc BEd की परीक्षा आज राज्य के यशवंत उच्च माध्यमिक विद्यालय के केंद्र पर संपन्न होने जा रही है। हमारे केंद्र में 312 बच्चों का सेंटर है और लगभग 90% बच्चे इस समय केंद्र पर उपस्थित हैं। परीक्षा का समय दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक रहेगा। लगभग 40,000 के लगभग बच्चे इस समय। और वहीं PTET परीक्षा को देखते हुए रोडवेज प्रशासन द्वारा अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई थी। मत्स्य नगर आगार पूछताछ केंद्र के प्रभारी नरेश मुदगल ने बताया कि जयपुर और बहरोड सहित कई रूटों पर संचालित कम यात्री भार वाली बसों को रोक लिया गया है। इन बसों का उपयोग परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में किया गया। कुछ शेड्यूलों की गाड़ियाँ जिन रूटों पर इनकम कम आ रही है उन गाड़ियों को रोक के रखा है। 2 बजे पेपर छूटेंगे तो उनकी व्यवस्था के लिए गाड़ियाँ और ड्राइवरों को पाबंद कर रखे हैं। सुचारू रूप से सभी परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जाएगा। जैसे कि हमारे एक रूट पे बैरोड रूट पे गाड़ी पे इनकम कम आती है तो उस D65 की गाड़ी रोक रखी है, और
नारायणपुर की तो सभी चल रही है, एक जयपुर की गाड़ी भी है, एक गाड़ी जो इस समय 2 बजे के लिए रोक रखी है, कुछ काम हो रहा है उसमें गाड़ी मिस्टेक हो गई थी। ईस्टर्न कैनाल योजना को समय रहते लागू नहीं करने का परिणाम अलवर सहित 13 जिलों के लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 5 साल पहले बनी परियोजना सुस्त रफ्तार और केंद्र एवं राज्य के बीच आरोप प्रत्यारोप का शिकार है। दूसरी ओर अनेक संगठन पद यात्राएं कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि यदि नेता अब भी उदासीनता दिखाए तो उन्हें अगले चुनाव में वोट नहीं देने की चेतावनी दी जाए। पानी को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संकट बढ़ता जा रहा है। यदि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए ईस्टर्न कैनाल योजना समय पर लागू हो जाती तो इस स्थिति से बचा जा सकता था। इस संकट से 13 जिलों को उबारने के लिए 19 नवंबर 2017 को ERCP योजना बनाकर केंद्र सरकार को भेजी गई थी, लेकिन 5 साल गुजर जाने के बाद भी इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया। एक ओर तो केंद्र के जल शक्ति मंत्री राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर ठीकरा फोड़ते हैं, दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री पर आरोप लगाते हैं। लेकिन इसके बीच खामियाजा 13 जिलों के लाखों लोग भुगत रहे हैं। इनमें अलवर सहित दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, टोंक, करौली, धौलपुर और जयपुर शामिल है। यहां गिरते जल स्तर के कारण भीषण संकट खड़ा हो गया है। गौरतलब है कि योजना के तहत करीब 1268 किलोमीटर नहर तंत्र विकसित कर नए सिंचित क्षेत्र बनाने की योजना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर 2022 को मालाखेड़ा में घोषणा की थी कि केंद्र सरकार ईस्टर्न कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही, लेकिन राजस्थान सरकार इसके लिए बजट आवंटित कर रही है। इसके बाद भी फिलहाल प्रक्रिया सुस्त बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर ERCP की योजना प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए संयुक्त मोर्चा से जुड़े किसान मजदूर प्रदर्शन कर पैदल यात्रा कर रहे हैं। इन्होंने मालाखेड़ा क्षेत्र के अनेक गांव में जनसंपर्क किया। मोर्चे के पदाधिकारियों ने नारा बुलंद किया है कि बंजर धरती करे पुकार, चंबल का पानी दे केंद्र सरकार। उन्होंने चंबल का पानी नहीं तो वोट नहीं जैसी चेतावनी भी दी है। इस मौके पर मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जवान सिंह, भरत सिंह, पवन राजेश्वरी मीणा और बाबूलाल मीणा सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। ERCP लागू करो, ERCP लागू करो, ERCP नहीं तो वोट नहीं, ERCP नहीं तो वोट नहीं। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 दिसंबर को मालाखेड़ा में ERCP योजना के लिए बजट राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन अभी धरातल पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इसको लेकर धरना प्रदर्शन ERCP संगठन की ओर से किया जा रहा है, जिसमें किसान और जनता शामिल है। मंत्री, विधायकों को ज्ञापन दिए हैं, सरकार के पास भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्री और केंद्र सरकार ERCP योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही, परियोजना घोषित नहीं करे, लेकिन बजट आवंटित किया जाए तो यह समस्या हल हो सकती है। और राजस्थान प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में 13 जिले जो इन दिनों संकट से गुजर रहे हैं, पानी का संकट है, पेयजल नहीं मिल रहा है, ERCP योजना नहरों से जोड़ी जाए, पानी नहरों का यहां आए तो यह समस्या हल हो सकती है। अब देखना यह है कि कितना समय लगेगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजना कब तक कारगर सिद्ध होगी। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। कुल मिलाकर यह महत्वपूर्ण योजना अलवर सहित 13 जिलों में पानी की किल्लत दूर करने में खासी मददगार हो सकती है, बशर्ते राजनीति की बजाय केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज, अलवर। और वहीं जिले में गहराते पेयजल संकट के मध्य राजनीतिक आरोप भी सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री टीकराम जूली ने रविवार को सवाल उठाया कि कांग्रेस पर पानी की समस्या को थोपने वाली भाजपा के विधायक और सांसद ने इसके लिए क्या किया। मंत्री जूली के अनुसार भाजपा ने चंबल योजना से लेकर ERCP प्रोजेक्ट पर अमल नहीं होने दिया, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित खुद मंत्री जूली ने करोड़ों रुपए की पानी की योजनाएं मंजूर करवाई। कैबिनेट मंत्री के अनुसार अलवर सांसद और शहर विधायक भाजपा के हैं, लेकिन उनसे सवाल पूछने के बजाय मीडिया कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। आज भी 500 के आसपास बोरिंगें सिंगल फेस और थ्री फेस चल रही है अलवर के चारों तरफ, चाहे वो विजय मंदिर पे हो,
चाहे जटियाना के अंदर हो, चाहे तुलेडा में, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी आ रही है, ये 5 साल में आई है क्या समस्या? ये लोग पिछले 20 साल से भंवर जितेंद्र सिंह जी ने चंबल का पानी मंजूर कराया, 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने बजट घोषणा की, सरकार जैसे ही बदली इन लोगों ने 5,000 करोड़ को 33,000 करोड़ की योजना बना दी। मोदी जी घोषणा करके कि हम 33,000 करोड़ रुपए की योजना लागू करेंगे, लागू नहीं कर रहे। राजस्थान का जल शक्ति मंत्री है, शर्म आनी चाहिए उनको कि राजस्थान की जनता जिस प्रकार से प्यासी है, अलवर के साथ साथ पूरा राजस्थान आज त्राईमाम कर रहा है, और भारत सरकार कह रही है हम घर घर नल लगवाएंगे। ये घर घर नल है, 37 रुपये दे रहे हैं 100 रुपये में से, 63 रुपये राजस्थान सरकार दे रही है। इन लोगों को शर्म तो आती नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। और कुछ जो मीडिया के लोग इनसे मिले हुए, इनसे विधायक को 5 करोड़ रुपए का कोटा मिलता है, कितने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम उसने यहाँ पे बनाए इस पैसे से, क्या कर रहे हैं इस पैसे का सदुपयोग क्यों नहीं करते हैं? सांसद को मिलता है पैसा 5 करोड़ रुपया, सांसद का बहुत बड़ा कद है। मोदी जी से बात करें, इनकी सरकार है, किसके लिए काम कर रहे हैं? जनता के लिए नहीं कर रहे हैं तो वो तो आते ही नहीं है, एक दूसरे पे डाल देंगे, आज कांग्रेस के करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे भाई, जो जीत के गए उनकी जिम्मेदारी बनती है, या तो चुनाव मत लड़ो अगर कुछ नहीं कर सकते। अपना सरपंच चुना है, अपना पार्षद चुना है, अपना विधायक चुना है, अपना सांसद चुना है, क्या ये किसी के घर में गेहूं की बोरी डालते हैं क्या? इन सब लोगों की जिम्मेदारी है जनता की सेवा करें, जनता की बिजली की, पानी की, सड़क की, इन व्यवस्थाओं पर ध्यान रखें। शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? चिकित्सा के लिए क्या कर रहे हैं? ये सारी चीजें कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, अरे कांग्रेस ने जो किया है वो कोई कर नहीं सकता। सरिस्का बाग परियोजना में रविवार सुबह वन्य जीवों की गणना प्रारंभ हुई। यह गणना 28 मई तक चलेगी। वहीं वन विभाग के कर्मचारी सुबह 6 बजे ही अपनी बीटों में पहुंच गए। यह गणना 2 चरणों में की जाएगी। 21 से 24 मई तक NTCA द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत मोबाइल इकोलॉजिकल ऐप द्वारा इसे अंजाम दिया जाएगा। ट्रांजिट लाइन सर्वे और कैमरा टैप पद्धति से वन्य जीवों की गिनती सभी 102 बीटों में प्रारंभ की गई है। साथ ही 25 से 28 मई तक दूसरा चरण चलेगा। इस दौरान वनस्पति का सर्वेक्षण भी किया जाएगा। घर पर पत्नी से झगड़ा कर 2 बच्चों को बाइक पर लेकर रात को निकले पति का एक्सीडेंट हो गया। इसके चलते 3 बाइक सवार घायल हो गए। जानकारी के अनुसार टोंक निवासी कैलाश जगह जगह जाकर कपड़े बेचने का कार्य करता है। वह गत रात ही कोटपुतली में कपड़े बेचने के बाद अलवर स्थित केडलगंज में इसी काम से आ रहा था, लेकिन किसी बात पर बीवी से झगड़ा करने के बाद वह अपनी 8 साल की बेटी और 4 साल के बेटे को बाइक पर लेकर रात में ही कोटपुतली से चल दिया। कुछ ही दूरी पर एक ट्रक की चपेट में आने से 3 गंभीर घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से सामान्य चिकित्सालय लाया गया। कोर्ट से आ रहा था और अलवर आ रहा था कपड़े बेचने। ये रास्ते में वो बाइक चल रही थी, उसमें लाइट कम थी, उस बाइक में लाइट कम थी, आगे गया ट्रक, वो ट्रक के मेरे हाथ से बाइक के टक्कर लग गया, दोनों गिर पड़े, बच्चे वच्चे सब गिर पड़े। फिर वहाँ से एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस दोनों बच्चे थे आपके? हाँ, हमारा दोनों। कितने साल के? एक तो है 8 साल का, एक 4 साल का। क्या नाम है इनके? एक तो रवीन है, एक शवानी है। अच्छा, अलवर आ रहे थे? अलवर कपड़े बेचने आ रहा था। रहने वाले कहाँ के हो? टोंक जिला के। टोंक के? कोटपुतली को भी वहाँ पे मार्केट लगाते हो? मार्केट लगाते कपड़े का। वहाँ शनिवार को लगाते हैं, संडे का लगाते हैं? हमारा कोई ठिकाना नहीं, लेकिन कपड़े लेके हमारा ग्राहक है यहाँ पर, उसको बेच के आते हैं। भर्ती कराया? यहाँ मेरा पुलिस वाला ने आया, एम्बुलेंस आ गई, फिर हमारा कपड़े वाला भी आ गया था कल। और वहीं हाल ही सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी 19 वर्षीय छात्र ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 19 अप्रैल को घर से सिद्धि विनायक कॉलेज जा रहे भोगोर बाईपास निवासी छात्र यश यादव को रोंग साइड से आ रही बाइक ने टक्कर मार दी थी। उसका करीब 1 माह से जयपुर में इलाज चल रहा था, लेकिन छात्र को बचाया नहीं जा सका। वहीं उद्योग नगर थाना पुलिस की मौजूदगी में सामान्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की गई। दिनांक 19/4/2023 को लड़का यश कुमार, पुत्र अवतार सिंह, निवासी कटी घाटी भोगोर अलवर का रहने वाला था। ये लड़का सुबह सिद्धि विनायक पढ़ने जा रहा था, करीब 8:30 बजे नसीर हॉस्पिटल के सामने से मोटरसाइकिल आ रही, तेज गति लापरवाही से, और इसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जो ये बेहोश हो गया। पहले नसीर हॉस्पिटल भर्ती कराया, फिर वहाँ से रेफर कर दिया सरकारी में कराया, सरकारी से फिर इन्होंने सोलंकी में कराया, सोलंकी ने रेफर कर दिया जयपुर के लिए। सोलंकी में ऑपरेशन हुआ,
फिर कामयाब नहीं रहे, फिर वहाँ दुर्लभ जी चले गए। दुर्लभ जी में कल करीब रात्रि 12:30 बजे इसका मृत्यु हो गई हॉस्पिटल में। फिर उससे पूछताछ की तो उन्होंने कहा भाई आपके वहाँ घटनाएं तो आपके अस्पताल में ही पोस्टमार्टम हुआ, तो आज इसका पोस्टमार्टम कराया गया। क्या नाम पता है इसका? नाम है यश कुमार, पुत्र श्री अवतार सिंह, जाति अहीर, उम्र 19 साल, निवासी ये कटी घाटी भूगोल, पीएस सदर अलवर। और अब आपको दिखाते हैं स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम की झलकियां। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि रविवार को मनाई गई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर के मोती डूंगरी स्थित राजीव गांधी पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही पौधे रोपे गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली सहित कांग्रेसियों ने राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी का देश की प्रगति में अहम योगदान रहा। सर्वप्रथम तो मैं नमन करता हूं ऐसी महान आत्मा को जिन्होंने आतंकवाद को रोकने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, देश के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने क्रांति के जो संचार क्रांति है उसकी नई शुरुआत की, और खास तौर से देश के अंदर कंप्यूटर को लाने वाले राजीव गांधी जी थे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर को लेके आए थे तब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा विरोध किया था कि अभी ये डब्बा है ये सारी नौकरी छीन लेगा, और आज उसी डिब्बे ने हिंदुस्तान के लोगों को दुनिया में एक नंबर नौकरी दिलाई है। आज जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आईटी की, उनके जो सीईओज हैं उन कंपनियों के अंदर जो स्टाफ है वो भारतवासी है। उनकी दूरदृष्टि थी, उन्होंने पंचायती राज को मजबूत करने के लिए 73वां और 74वां संशोधन किया। उधर इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा ने कहा कि राजीव गांधी गांव, गरीब और किसान के दुख को समझते थे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, इस उपलक्ष्य में हम यहाँ उनकी मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के सभी लोग पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं। राजीव गांधी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री तो रहे ही हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ी जो क्रांति इन्होंने की थी कंप्यूटर क्रांति देश में, जो जिसका देश आज तक जिसके आधार पर उन्नति कर रहा है। आज विदेशों में भी हमारे छात्र जो कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, आईटी से जुड़े हुए हैं, वो नाम कर रहे हैं, हमारे देश का नाम हो रहा है, वो सब कंप्यूटर की वजह से हो रहा है, आईटी सेक्टर की वजह से हो रहा है। आईटी सेक्टर में आज इंडिया बहुत ही आगे बढ़ चुका है। और राजीव गांधी जी जब भी रहे थे उस समय इनका ध्यान गांव, गरीब, किसान की तरफ भी था। इन्होंने जब पंचायत राज की अमेंडमेंट किया तो उसमें गांव गरीब को ध्यान में रखा, और पाँच साल को पंचायत राज संस्था को 5 साल का कार्यकाल दिया गया, जिस जो कि चुनाव आयोग के अंतर्गत दिया गया। इसमें इनका कहना था कि जब हम पैसा भेजते हैं ग्राम में, गाँव में, तो 18 पैसा सरपंच के पास, ग्राम पंचायत के पास पहुंचता है 1 रुपए का, यानी भ्रष्टाचार बीच में बहुत चलता है। इसलिए इन्होंने सीधा पंचायतों को पैसा दिया ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो सके और गरीबों को उचित पैसा मिल सके। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एसआर यादव के अनुसार विभिन्न योजनाओं के जरिए राजीव गांधी देश को प्रगति पथ पर ले गए। वहीं मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी किया। आज देश के अंदर जिन्होंने क्रांति की बिगल बजाया था, जो कंप्यूटर की क्रांति है, जिन्होंने एक 5 योजना जो चलाई जिसमें युवाओं को 21 साल का मतदान जो करते थे उसको घटा करके 18 साल का वोट का अधिकार देने का काम किया था, तो और दूसरा जो पंचशील योजनाएं जो थी उसके अंदर पंचायतों में सही विकास हो, इसलिए उनका एक अलग से बजट का किया था। दूसरा साथ साथ जो हमारे पड़ोसी मिजोरम है, असम है, इनकी जो दुविधा थी, जो उस समय सरकारों ने कुछ
फैसले सही नहीं लिए थे वो भी इन्होंने सुलझा दिए थे। और मैं समझता हूँ एक ऐसे पुरुष जिन्होंने श्रीलंका के अंदर जो है शांति थी, लेटे उग्रवाद था जो प्रभाकरण के नेतृत्व में, उसको भी ठंडा किया और एक शांति दूत बनकर शांति सेना वहाँ भेज करके एक देश की छवि को कायम रखा। मैं समझता हूँ ऐसे महापुरुष को आज पूरा संपूर्ण देश के युवा, चाहे कांग्रेस ही नहीं अन्य पार्टियाँ भी उस महापुरुष को याद कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो विचार जो थे देश को अग्रणी श्रेणी में भी देशों से बराबर की श्रेणी में खड़े करने के जो उनके विचार थे उसको उसकी वजह से आज देश, संपूर्ण देश उसको याद कर रहा है। आज जिला कांग्रेस पार्टी आज उनकी आइडल के ऊपर आकर के उनको श्रद्धा सुमन कर रही है और उनके जो सिद्धांत थे उनको युवा पीढ़ी याद रखे ऐसी लोगों को बता रही। वहीं कार्यक्रम में रामगढ़ विधायक साफिया खान, कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा द्वारा 23 मई को सुबह 10:30 बजे जिला स्तरीय कार्यशाला मालाखेड़ा कस्बे के एक मैरिज होम में आयोजित की जाएगी। दक्षिण जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि इस दौरान संगठन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा 25 और 26 मई को मंडल स्तरीय कार्यशालाएं होंगी, इसमें जिला स्तर के पदाधिकारी भेजे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण की जिले की कार्य समिति की बैठक लक्ष्मी मैरिज होम है पृथ्वीपुरा रोड पर मालाखेड़ा में, वहाँ पर उन्नत तय हुआ है। समय उसमें 10:30 बजे का रखा हुआ है और कार्य समिति की बैठक तो हर बार जब प्रदेश की कार्य समिति की बैठक होती है तो उसके हमें 7 दिन में जिले की करनी पड़ती है, जिले से फिर उस मंडल में करनी पड़ती है। ये तो एक सतत प्रक्रिया है जो हर बार चलती रहती है। और कार्य समिति की बैठक में संगठनात्मक बातें होती हैं, पिछली जो काम किया है उस कार्य की पुष्टि होती है और आगामी जो कार्यक्रम होती है उन पर चर्चा होती है। सर कितने तारीख को होगी मैटर? ये 23 तारीख को। सर इसके अलावा जो आपके मंडल हैं तो उनकी कार्य समिति की बैठक होनी है, वो कब होगी? सर मंडलों की सारे हमारे अलवर दक्षिण में 30 मंडल है हमारे और 30 मंडलों की मीटिंग 25 और 26 तारीख को तय की गई है। उन दोनों तारीखों में हमारे 30 मंडलों की मीटिंग होगी, जिले से कोई ना कोई पदाधिकारी इन मीटिंगों में जाए। तो ये मंडल जो अपना स्थानीय जो क्षेत्र है वहीं पर आयोजित की जाएगी? हाँ। तो इसका सर मुख्य उद्देश्य क्या है मंडलों की मीटिंग का? जो राष्ट्र से जो कार्यक्रम बन के आते हैं वो प्रदेश को बताते हैं, प्रदेश वाले जिले को बताते हैं, जिले से जो कार्यक्रम होते हैं वो मंडल को बताते हैं, मंडल से बूथ स्तर तक इन कार्यक्रमों की जो क्रियान्वयन कराना होता है उसके लिए कार्य को एग्जीक्यूट कराना, कार्य को हमें पूर्णतः सफलतापूर्ण तरीके से कराना, यही कार्य समिति का काम। भाजपा ने राजस्थान के अर्जुन राम मेघवाल को केंद्रीय कानून मंत्री बनाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पार्टी नेता मूलचंद डिगवाल ने इसे राजस्थान के लिए गौरव की बात बताया है। साथ ही कहा कि मोदी सरकार ने इससे पहले भी आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया था। केंद्र सरकार दलित और आदिवासी समाज को सम्मान एवं पद प्रतिष्ठा दे रही है, ऐसे में इसका असर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। कि एक दलित समुदाय है जो कि राजस्थान में श्री अर्जुन राम मेघवाल जी को कानून मंत्री बनाया है। बाबा साहब के बाद अगर देश में कोई दलित कानून मंत्री बनाया तो परमादरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी को बनाया है। और कुछ दिन पहले पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया था और ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर पार्टी भारतीय जनता पार्टी में मान सम्मान है दलितों का, आदिवासियों का और सभी समाजों का, तो भारतीय जनता पार्टी में है। और मैं तो ये कहूँगा कि अब समय भी है राष्ट्रवाद के लिए भी और मान सम्मान के लिए भी दलितों को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी हर वक्त राष्ट्र के लिए और दलित उत्थान के लिए और हर एक वर्ग के लिए काम करती है,
ऐसा मैं सोचता हूँ और ऐसा मैंने देखा है। देखिए राजस्थान में जिस तरह से खुशी की लहर है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोग किस तरह का आभार व्यक्त कर रहे हैं और परम सम्माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को लोग जिस तरह से बधाई का देने का तांता लगा हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये तय है कि राजस्थान का दलित समाज अब तय कर चुका है कि अब के बार भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर। और वहीं भाजपा ने गहलोत सरकार के आपसी खींचतान में भ्रष्टाचार में उलझे रहने का आरोप लगाया है। पार्टी नेता मूलचंद डिगवाल के अनुसार ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार होगी। उन्होंने बताया कि गहलोत सरकार द्वारा महंगाई राज शिविरों का कोई नतीजा नहीं निकला, वहीं आमजन त्रस्त बने हुए हैं। देखिए राजस्थान की जनता ने पिछले 4.5 साल में कांग्रेस का धोखा और कुशासन देखा है। किस तरह से कांग्रेस ने हर वर्ग के साथ धोखा किया है, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे मजदूर वर्ग हो। अब ये सोच रहे हैं कि भाई इस तरह के लोगों को बरगला के राहत कैंप के नाम से लोगों को बहका के वोट लिया जा सकता है, तो ये संभव नहीं है। राजस्थान की जनता समझ चुकी है, 4.5 साल इन्होंने आप ही खींचतान में और लड़ाई में निकाल दी है, तो उससे अभी तक जो इन्होंने भला नहीं किया जनता का, तो आगे जनता का भला होना नहीं है। और जनता जान चुकी है कि राजस्थान में अब की बार बीजेपी की सरकार लानी है और बीजेपी का कमल खिलाना है। देखिए पायलट जी नहीं, कई विधायक और कई मंत्री और भी कह चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है। इनके मंत्री और इनके विधायक कह चुके हैं, तो आम जनता भी समझ चुकी है। जब इनके विधायक और मंत्री पार्टी के विरोध में खड़े हुए हैं तो पार्टी के अंदरूनी कलह क्या है, और ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी और सत्ता बचाने के लिए जिस तरह से इन्होंने राजस्थान में काम किया है, लूटपाट की है, वो जनता जान चुकी है। और अब की बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, ऐसी मेरी उम्मीद नहीं 100% आशा, 100% मुझे विश्वास है। भाजपा ने 2000 के नोट को आगामी 30 सितंबर से बंद किए जाने का स्वागत किया है। जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर अधिक राशि के इस नोट को बंद करने से आम जन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा इसके लिए सरकार ने पर्याप्त समय भी दिया है। RBI ने आदेश जारी करके 2000 के नोट को अभी लीगल टेंडर रखा है और 23 मई से लेकर सितंबर तक उनको बैंकों में चेंज कराया जा सकता है या फिर उनके अपने अपने अकाउंट में डाला जा सकता है। तो ये निश्चित रूप से जो पैसा होल्ड हो गया भ्रष्टाचार में, उस पैसे को निकालने की एक बहुत अच्छी कवायद है और इससे आमजन को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। जो लोग या विपक्ष के लोग इसको मुद्दा बनाकर मोदी जी को गाली दे रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जिन मात्र 10.8% 2000 के नोट जो सर्कुलेशन में रह गए हैं, जो क्योंकि RBI ने पहले से ही, और आपने सुना होगा 2016 से भी लगभग ये तय था कि 2000 के नोट बंद होंगे, तो उस वक्त करेंसी इतनी नहीं थी इसलिए 2000 के नोट छापने पड़े थे, लेकिन अब करेंसी पर्याप्त हो गई है तो 2000 के नोटों को चलन से बाहर करने का कारण केवल और केवल भ्रष्टाचार के पैसे जो उन्होंने होल्ड करके रख लिए हैं उनको निकालने का एक उद्देश्य है। और आमजन आसानी से बैंकों में जाके इनको बदलवा सकता है या फिर अपने अकाउंट में डाल सकता है, काफी लंबा समय दिया है। जिला जाट महासभा समिति की ओर से 18 जून को शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में जाट महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का संयोजक जिला प्रमुख बलवीर सिंह को नियुक्त किया गया है। आयोजन में बतौर अतिथि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष एवं सांसद जयंत चौधरी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री हरीश चौधरी, पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बुलाया गया है। जिला जाट महासभा द्वारा पूरे जिले का एक सामूहिक सम्मेलन होगा प्रताप ऑडिटोरियम में 18 जून के, और उसमें सामाजिक विचार रखे जाएंगे जिसमें दहेज प्रथा को खत्म करना, नुक्ता प्रथा खत्म करना और सामूहिक विवाह सम्मेलन, इसका सामूहिक विवाह कार्यक्रम इसका सबसे प्रमुख मुद्दा रहेगा। इसमें सहयोग आदरणीय जिला प्रमुख जी बलबीर छिल्लर जी का रहेगा और भूपेंद्र जी हुड्डा आएंगे, जयंत चौधरी आएंगे, हरीश चौधरी आएंगे और भी प्रदेश उत्तर भारत के ज़्यादातर जाट नेता उस दिन अलवर में रहेंगे, वो अपने विचार रखेंगे। तो इसमें कितने लोग शामिल होंगे सर? इसमें हमने अभी तो 1200-1500 आदमियों को बुलाया, प्रमुख लोगों को, हर गांव पंचायत से
पंच सरपंच जिला पार्षद जिला प्रधान ये सब हमने इनवाइट किए जो प्रमुख प्रमुख हैं उनसे समाज के बारे में समाज में किन कार्य करने चाहिए उनको हित हो इस वजह से हमने ये सम्मेलन रखा है। पूरे जिले का सम्मेलन है, काफ़ी संख्या में लोग पधारे। राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस पर रविवार को मिनी सचिवाल में शपथ ली गई। शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस दिन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी। इस मौके पर ली गई शपथ में कहा गया कि सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध किया जाएगा, साथ ही मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति और सामाजिक सद्भाव कायम किया जाएगा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पुखराज सेन, शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा, एडीएम उत्तम सिंह शेखावत, एडिशनल एसपी सरिता सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी नेकी राम आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में संपूर्ण राजस्थान में श्री राजीव गांधी जी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी गांधी कार्यकर्ताओं ने सारे ब्लॉक्स में कार्यक्रम आयोजित किए गए। संपूर्ण राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पर और ब्लॉक मुख्यालय पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसमें हम सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के संकल्प के साथ साथ राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमने एक शपथ ग्रहण समारोह भी रखा है। उस शपथ में हम सभी ने मिनी सचिवालय में आज शपथ ली, जिसमें हम आतंकवाद की और अशांति फैलाने वालों की हम निंदा करते हैं और इस शपथ में हम शांति और भाईचारे के साथ हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और आज मिनी सचिवालय में गांधी जी की मूर्ति के सामने सम्माननीय जिला कलेक्टर महोदय, सम्माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, सम्माननीय हमारे गांधी कार्यकर्तागण सभी लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। और इस अवसर पर लगातार हमारे 4.5 वर्षों से गांधी कार्यकर्ताओं की ओर से निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ आने वाले समय में और मजबूती के साथ हम सभी लोग ब्लॉक लेवल पर, वार्ड लेवल पर, पंचायत स्तर पर भी इसी तरीके के गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलाने वाले कार्यक्रम निरंतर हम करते हुए आ रहे हैं। बालाकिला बफर जोन के जंगल में एटीएल की ओर से वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकरों की मुहिम जारी है। वहीं जागरूक नागरिकों ने इस मुहिम को सराहा, साथ ही कहा कि गर्मी के मौसम में जगह जगह पानी के कुंडों में पानी भरना वन्य जीवों के लिए खासा फायदेमंद है। वहीं इस मुहिम से अन्य लोगों को भी जुड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी मुहिम है, गर्मी के मौसम में पानी की बहुत सभी को जरूरत होती है और यहाँ पे जानवरों को खासकर इस जंगल में ऊपर पहाड़ पे पानी नहीं पहुँच पाता है, इन सबको पीने के लिए पानी मिल रहा है, बहुत अच्छी मुहिम है। ग्रीष्म काल में पानी की जंगल में बहुत कमी आ जाती है, एटीएल की तरफ से जो पानी की सप्लाई की जाती है एक बहुत ही अच्छी पहल है और मैं चाहता हूँ गर्मी में ये इस तरह की प्राथमिकता है ना जो इस जंगल को दी जाए और यहाँ के जो कुंडे हैं उनको पानी से भर दिया जाए तो पक्षियों का भी और पशुओं का भी सभी का भला होगा। कायस्थ सभा द्वारा शहर में भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर में सीमेंट के 25 परिंडे लगाए गए हैं, इससे इस भीषण गर्मी में वन्य जीव पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध हो सकेगा। रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अलका माथुर के नेतृत्व में अंजू माथुर, अंबे सक्सेना, सुमन सक्सेना, कमलेश माथुर, मुख्य संयोजक अजीत माथुर और संयोजक अतुल सक्सेना आदि मौजूद रहे। आज बहुत ही अच्छा पुण्य का काम हुआ है, मंदिर में आकर परिंडे चुगने की व्यवस्था की है और आगे भी हम महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग करेंगे। सारी महिलाएं भी और सभी ये पुण्य का काम करें, जो भी घर पे है थोड़ा सा समय निकाले। जो पिछले एक महीने से जो चुग्गा और परिंडे लगाने का कार्यक्रम चला हुआ है उसी श्रृंखला में आज भूरा सिद्ध मंदिर में और भूरा सिद्ध मंदिर के पीछे के जंगलों में परिंडे लगाए गए, जिसमें कायस्थ सभा महिला संगठन की सारी महिलाएं एकत्रित हुई और सबने जितने भी चुकांश थे जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं सबने आकर परिंदों में पानी भरा और नए परिंदे लगाए
और चुग्गे की व्यवस्था की गई। और हमारे कैथ समाज की तरफ से रोज चुग्गे का और परिंडे का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो वन्य जीवों के हित में है, क्योंकि तेज भीषण गर्मी के चलते वन्य जीवों को पानी और दाने की असुविधा होती है, जो हमारे कैथ समाज की तरफ से पूरी की जा रही है। पूरे शहर में चारों तरफ परिंडे लगाए जा रहे हैं, चुग्गा लगाया जा रहा है, और मैं सभी शहरवासियों से ये अनुरोध करती हूँ कि अपनी छत पर एक परिंडा जरूर रखें और अपने हाथों से एक परिंडा जरूर लगाएं। जो आजकल पक्षियों के लिए जल का व्यवस्था और पशुओं के लिए कुंडे भरवाए जा रहे हैं, कैस्ट महासभा के अलवर से ये जो कार्य किया जा रहा है सराहनीय है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि सभी लोग इस कार्य से जुड़े रहें। यही समाज नहीं, और भी समाज अगर इससे जुड़ते हैं तो उन जीवों को भी ऐसा मौका मिलेगा कि बेचारे अपना जीवन पूरी तरह से निभा सकेंगे। कैस्ट समाज अलवर के तत्वावधान में वन्य जीव पक्षी के लिए चुग्गा एवं पानी का कार्यक्रम अलवर शहर में चलाया जा रहा है। उसके तहत आज पुरसिद्ध हनुमान मंदिर पर स्थित कई स्थानों पर परिंडे लगाए गए, जिसमें समाज की सभी महिलाएं शामिल हुई। अंबेडकर नगर स्थित संबल भवन में रविवार को एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंचर सेवाओं का शुभारंभ किया गया। चंद्र प्रभु विकलांग कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक जैन अगोनिज और महामंत्री नरेंद्र जैन के अनुसार इस मौके पर भामाशाह सम्मान भी हुआ। इनमें अशोक पालावत, हरीश कालरा, नीरज जैन, मगन जैन, गुलाब चंद, प्रीतम जैन और महेश गर्ग शामिल थे। इन्होंने चिकित्सा सेवाओं के विस्तार में सहयोग दिया है। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व निशक्तजन आयुक्त किलिमल जैन, पल्लीवाल जैन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष त्रिलोक चंद, श्री चंद्र प्रभु जैन मंदिर के अध्यक्ष पार्शव जैन और ओसवाल शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक पालावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जयपुर में 28 मई को प्रजापति समाज का महाकुंभ होगा। इसमें अलवर जिले से हजारों प्रतिनिधि पहुंचेंगे। समाज सेवी राजीव प्रजापति ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसे लेकर शहर में इमरती देवी धर्मशाला में बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता लक्ष्मण प्रसाद ने की। उधर आगामी बैठक 11 जून को आयोजित होगी। प्रजापति समाज पूरे जिले से इकट्ठा हुआ। इसमें आगामी 28 जून मई को जयपुर में होने वाले प्रजापति महाकुंभ को सफल बनाने के बारे में विचार विमर्श किया गया, एवं इसके साथ ही अलवर में भी प्रजापति समाज का जोर दिखाने के लिए सभी आगे की गतिविधियों पर और प्रोग्रामों पर विचार किया गया। प्रजापति समाज हमेशा से एकजुट रहा है और एकजुट रह करके आगे कार्य करता रहेगा। आदरणीय लक्ष्मण प्रसाद अमीन जी की अध्यक्षता में प्रजापति समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अलवर के अंदर प्रजापति समाज के विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ मौजूद रहे और प्रजापति समाज ने एकजुटता का परिचय देते हुए इस मीटिंग के अंदर हुंकार भरी है। 28 तारीख आगामी जयपुर के अंदर होने वाले महाकुंभ के अंदर जोर शोर के साथ में हजारों की संख्या में प्रजापति समाज अलवर से पहुंचेगा और इसके बाद में प्रजापति समाज एक बड़ा महाकुंभ बहुत ही जल्दी 11 जून को अगली मीटिंग के अंदर सूचित कर दिया जाएगा। वहीं सरसों पर बाबूलाल राजीव प्रजापति, मुंशीलाल प्रजापत, रामनिवास प्रजापत आदि की मौजूदगी रही। इसमें 28 मई को जयपुर में होने वाले महाकुंभ के लिए तैयारी की जा रही है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि यहाँ से अलवर ज़िले से ज़्यादा संख्या में लोग जयपुर पधारेंगे। इसके बाद 11 जून को एक मीटिंग और रखी गई है जिसमें हम अलवर ज़िले का महाकुंभ करने की तैयारी में हैं। उसकी अभी तारीख निश्चित नहीं हुई है, अगले 11 जून को तारीख निश्चित हो जाएगी और अलवर में भी एक पूरे ज़िले का प्रजापति समाज का महाकुंभ किया जाएगा, जो कि बहुत ही बढ़ चढ़ करके होगा। पूरा प्रजापति समाज एक है, एक ही रहेगा और प्रजापति समाज अपनी ताकत भी दिखाएगा कि ज़िले में कितना प्रजापति समाज है। तो जयपुर में महाकुंभ होने जा रहा है दिनांक 28 मई को, अगले इतवार को, उसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी और यहां से काफ़ी गाड़ियां रवाना होंगी और इसके बाद में अलवर में भी एक महाकुंभ रखा जाएगा जिसकी मीटिंग 11 जून को रखी गई है और उसके बाद महाकुंभ की डेट निश्चित की जाएगी।
ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर नर्सिंग कर्मियों का धरना रविवार को छठे दिन भी जारी रहा। वहीं नर्सिंग कर्मियों ने जिलाध्यक्ष शीला यादव के नेतृत्व में अपने हाथों में मेहंदी लगाकर मांगों को लिखा। इस तरह इन्होंने प्रदर्शन का अनोखा तरीका अपनाया। वहीं जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है। आज अपनी मांगों को लेकर अपने हाथों पे मेहंदी लगाकर अपनी मांगों का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को चिंताना चाह रहे हैं, सरकार को जगाना चाह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करो। हमारी महिला बहन सड़क पे बैठे हैं, गरम गरम हवा के धूप के कपड़े खा रही है। एक तारीख से हमारी सारी बहनें सड़कों पर उतरी हुई हैं पूरे राजस्थान की, लेकिन सरकार को अभी भी नींद आ रही है, अभी भी सरकार नींद करने जा रही है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ओर से राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए आवासीय शिविर लगाए जा रहे हैं। माउंट आबू, जयपुर, चूरू और डूंगरपुर में लग रहे शिविरों में राष्ट्रीय स्तर के एवं मेडलिस्ट खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। जिला खेल अधिकारी सबल प्रताप सिंह ने बताया कि प्रतिवर्ष गर्मी के दिनों में यह कैंप लगाए जाते हैं। 21 मई से माउंट आबू में कैंप आरंभ हुए, साथ ही 23 मई से जयपुर और डूंगरपुर सहित 25 मई से चूरू के राजगढ़ में शिविर आयोजित किए जाएंगे। हाँ सर, बता। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की तरफ से प्रत्येक वर्ष गर्मियों के अंदर रेजिडेंशियल कैंप लगाए जाते हैं, जिसके अंदर जो राजस्थान के प्रतिभावान नेशनल पार्टिसिपेट और मेडलिस्ट बच्चों को रखा जाता है। इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है बच्चों की वो 14 से 17 साल रखा जाता है गर्ल्स बॉयज़ के अंदर। इसमें 8 खेल माउंट आबू में, 10-12 खेल जयपुर में और 6 खेल इस वर्ष राजगढ़ चूरू में लगाए जा रहे हैं। इनका रेजिडेंशियल कैंप वहाँ रहेगा और इसके साथ ही डूंगरपुर के अंदर हमारे जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनका कैंप लगता है, वो उसमें भी 10 खेलों को रखा गया। ये रेजिडेंशियल कैंप हमारे 21 मई से माउंट आबू में, 23 मई से जयपुर और 25 मई से राजगढ़ चूरू के अंदर प्रारंभ होगा और 23 मई से ही डूंगरपुर में जनजातीय बच्चों का शिविर प्रारंभ होगा। बगड़ का तिराए पर सर्व समाज सेवा समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। समिति सचिव पंकज मीणा ने बताया कि यहां बने डंपिंग यार्ड के कारण आसपास के गांवों में कई बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे में डंपिंग यार्ड को शिफ्ट किया जाना चाहिए। वहीं बैठक में मनोज भारद्वाज, रामवीर मीणा, आसम फखरुद्दीन, हरीश रिंकू, सरपंच दारा मीणा, योगेश मीणा, जुबेर हनीफ तारीफ और पंकज महावर आदि उपस्थित रहे। दिन थी ये सर्व समाज सेवा समिति के द्वारा आयोजित की गई थी, क्योंकि ये जो सर्व समाज सेवा समिति है इस क्षेत्र में सार्वजनिक कामों के या समाज के मानव सेवा में लगी हुई है, जैसे कि रक्तदान है। किसी भी भाई को बहन को कभी भी जरूरत पड़े, आधी रात को भी आप हमें कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं सर्व समाज सेवा समिति से, क्योंकि हमने इसके भी ब्लड बैंक प्रभारी जिस तरह से बना रखे हैं, हर तरह से डिपार्टमेंट अलग अलग बांट रखे हैं। जैसे गरीब बच्चों की शादी है उसमें भी हमारा सहयोग होता है, और जिस तरह से सर्व समाज सेवा समिति अब जो लेके चली है वो हमारे क्षेत्रीय मुद्दे और अलवर का जो मुख्य मुद्दा है। डाइट की ओर से नजर बगीचे स्थित हॉस्टल में एनटीटी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। इस दौरान उन्हें बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। व्याख्याता मंजू चौधरी ने बताया कि अंग्रेजी माध्यम के प्री एजुकेशन से जुड़े बच्चों को विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। ऐसे में उनमें स्कूल के प्रति लगाव विकसित होगा, क्योंकि नन्हे बच्चे अक्सर स्कूल आने से कतराते हैं। सर, ये एनटीटी का ब्रिज कोर्स चल रहा है जो कि डाइट के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें हमारे पास महात्मा गांधी स्कूलों में जो एनटीटी की जो टीचर्स थे उनको अंग्रेजी माध्यम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन बच्चों को वो इंग्लिश मीडियम में आगे पढ़ा सकें और एक्टिविटी के माध्यम से उनको कैसे कैसे सिखाया जा रहा है सिखा सकें उससे अवगत करा रहे हैं। उन बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए एक तो उनको बहुत ही प्यार से ट्रीट करना है कि उन्हें डेली गतिविधि के माध्यम से पढ़ाया जाए, जिससे बच्चे स्कूल में आने में इंटरेस्टेड हो और उनकी नामांकन भी बढ़ जाए बच्चों के विद्यालय में। और अंग्रेजी माध्यम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है, क्योंकि हमारे जो ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आते हैं
वो अंग्रेजी से थोड़ा कम परिचित होते हैं, तो उस माध्यम के द्वारा उन्हें अंग्रेजी सिखाया जाए, जिससे बच्चे इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल हैं उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे वो बराबरी कर सकें। सर, ये 3 चरणों में चल रहा है, ये हमारा 3rd चरण चल रहा है। ये ट्रेनिंग हमारी 21 मार्च से स्टार्ट हुई थी, अब ये 3rd राउंड स्टार्ट है और ये 16 मई से 19 जून तक है। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 233-86। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंती राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बाला किला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। चंद्रलोक सिटी तिजारा में फिर से खुल गया है अपने नए रंग रूप और नए स्वाद के साथ होटल चंद्रलोक एंड फूड प्लाजा। अब आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का स्वाद, साउथ इंडियन फूड्स, डोसा, इडली, चाइनीज फूड्स, चाउमिन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल व स्टार्टर में चिली पनीर, पंजाबी खाना, छोले भटूरे, स्पेशल थाली, आइसक्रीम एवं शेक्स। और इतना ही नहीं, बच्चों के खेलने के लिए झूले और पार्क, शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी के फंक्शन के लिए एसी बैंक्वेट हॉल, स्टेज, सोफा, शानदार काउंटर सहित व गार्डन, पार्किंग सुविधा और ठहरने के लिए लग्जरी रूम, इवेंट और केटरिंग वो भी किफायती दामों में उपलब्ध है। तो आकर लजीज खाने का स्वाद उठाएं और अपनी बुकिंग तुरंत कराएं। पता गेट नंबर 1 चंद्रलोक सिटी तिजारा। संपर्क करें 8971109660 पर या 8209838407 पर। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। राजगढ़ के लवकुश मैरिज गार्डन में रविवार को दूसरे दिन भी हर दिन ध्यान शिविर का सत्र आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि आरएएस अधिकारी कैलाश चंद सैनी रहे। इस दौरान जिज्ञासुओं ने समग्र विकास के लिए योगासन, प्राणायाम, मुद्रा, पोलरिटी और ब्राइट माइंड का व्यवहारिक अभ्यास किया। जयपुर से आई हार्टफुलनेस ट्रेनर ऋतु ने आंतरिक शुद्धिकरण के लिए गाइडेड क्लीनिंग की प्रक्रिया समझाई। साथ ही ट्रेनर कैलाश चंद ने प्राणाहुति से युक्त ध्यान करवाया। शिविर स्थल पर संभागियों ने हार्टफुलनेस ऐप भी डाउनलोड किया, जिससे घर बैठे ध्यान की तकनीकों का निःशुल्क लाभ उठाया जा सकता है। वहीं सोमवार को भी सुबह 5:30 से 7 बजे तक सत्र होगा। इस दौरान शुगर एवं थायराइड नियंत्रण सहित बेहतर नींद के भी टिप्स दिए जाएंगे।
कांग्रेस सेवा दल ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शाहजहांपुर में 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया। वहीं समापन अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जीतन सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में फिर से रिपीट होगी। जनता 5 साल की जो सरकार हमारी रही है और पिछली बार भी आपने देखा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो जन कल्याण की जो स्कीमें थी और अब महंगाई राहत कैंप के साथ साथ जो पिछले 4.5 साल के अंदर जो बड़े बड़े काम हुए हैं, कई रोड बने हैं, कई PHCs बनी हैं, CHCs बनी हैं, कॉलेजेस बने हैं, बहुत काम इतना ज़्यादा हुआ है। तो सरकार को चाहते हैं कि गरीबों की सरकार है, इसलिए सरकार 100% रिपीट हो। सर 1000 करोड़ जीता जाए। देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि पार्टी किसको टिकट देती है जी, तो ये तो तय है नहीं और कि टिकट जितेंद्र सिंह को ही मिलेगा, कोई भी उसके अंदर मिल सकता है, मेरे से अच्छे बहुत सारे और कैंडिडेट भी हो सकते हैं, तो उस समय की स्ट्रेटजी है। लेकिन जिसको भी टिकट मिले स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि बूथ लेवल के अंदर जिस तरह का ये जहर फैलाते हैं, जिस तरह का एक माहौल ख़राब होता है, हमने मेरे चुनाव के अंदर ही मैंने अभी कुछ दिन पहले अभी सेवादल के कैंप को बता रहा था कि जिस तरह से उन्होंने हिंदू मुसलमान मेवात भवरों खां ये सब चीज़ें कर ली। उधर सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के तहत लग रही इन प्रशिक्षण शिविरों में प्रेरक और नायकों को तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जनता के मुद्दे जनता के बीच में ले जाने के मंत्र दिए गए। वहीं सेवादल की महिला विंग के अध्यक्ष अंजलि यादव ने भी विचार रखे। इस शिविर में 25 राज्यों के 350 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उधर इस दौरान कांग्रेस सेवादल प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, राजस्थान प्रभारी मधु ग्रूम, सेवादल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्नोई सहित राजेंद्र नाना और देशबंधु शर्मा आदि मौजूद रहे। सेवादल ने देश भर के अंदर लोकसभा के 2024 की तैयारी को लेकर हमारे प्रेरक और नायक का जो टुकड़ी होता है कि हर लोकसभा विधानसभा ब्लॉक मंडल और सेक्टर और नीचे बुनियाद, तो ये हमारे संगठन के एक स्ट्रक्चर को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं कि किस प्रकार से चुनाव में जैसे भी आजकल भाजपा की जो लोग हैं वो धांधली भी करते हैं और चुनाव को बहकाने का काम भी करते हैं, जो चुनाव के जनता के मुद्दे हैं उसकी जगह पे कभी कभी भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़के सत्ता में आने वाली पार्टियों को कैसे रोका जाए और जनता के मुद्दे हैं वही सर्वोपरि कैसे हो, उसी को लेकर प्रशिक्षण कैंप, खास करके प्रचार और प्रसार कैसे करना है और प्रबंधन जो है वो कैसे करना है, उसमें प्रेरक की क्या भूमिका है वो रहेगी, नायकों की क्या भूमिका रहेगी, तो ये पूरा 3 दिवसीय और ये एक कैंप यहाँ हो रहा है, उसी तरीके से एक दक्षिण में भी होगा, एक हमारा पूर्व में भी होगा और एक जो है अभी हमारा मध्य में एक और कैंप होगा। तो कुल मिला के हमारे 4 कैंप के बाद उसमें से सिलेक्टेड लोग हैं उनको हम लोग लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपेंगे, जो लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे वहाँ रहेंगे, ठहरेंगे, काम करेंगे, संगठन का जो धरातल का जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको भेजेंगे और कमियां जो है वो भी जानकारी लेकर कमियों को दूर करने की कोशिश करें। 3 दिन का ये चुनाव प्रशिक्षण शिविर था जो कि लोकसभा इलेक्शंस की तैयारी के लिए किया गया, जिसमें सेवा दल मुख्य भूमिका निभाएगा और सेवा दल के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं कि किस तरीके से हमें बूथ पर काम करना है, किस तरीके से हमें अपनी कमियों को पूरा करना है और किस तरीके से हम छोटे छोटे ग्रुप्स में अपने आप को बांटेंगे और एक स्ट्रैटेजी तय की गई है जिससे कि हम इलेक्शंस को लड़ सकें और जीत सकें। बेसिकली लड़ना हमारा ध्येय नहीं है, हमारा इलेक्शन जीतना ध्येय है। यहाँ पर सभी प्रांतों से प्रदेशों से लोग आए हैं हमारे पास, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हर जगह से आए हैं, हरियाणा से, राजस्थान से भी आए हैं। और वहीं सरकार एवं कांग्रेस कार्यकर्ता राहत शिविरों में व्यस्त है एवं ऐसे में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सुस्त पड़ा हुआ है, जबकि आरंभ में इसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा जोश देखा गया था। अलवर जिला मुख्यालय सहित अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में फरवरी में यह अभियान शुरू हुआ था। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और अन्य प्रतिनिधियों ने पुनखर से इसका आगाज किया था, लेकिन 24 अप्रैल से शुरू किए गए प्रशासन गांव के संग अभियान और महंगाई से राहत शिविर को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रुझान दूसरी तरफ हो गया है। वहीं हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम फिलहाल नहीं चल पा रहा है। आज हाथ से हाथ जोड़ने का कार्यक्रम पुनखर पंचायत से हमने शुरू किया है, जो हर घर हर पंचायत के अंदर हम लोग जाएंगे, आम जनता की बात को सुनेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनसे प्यार बांटेंगे और राहुल गांधी
गांधी जी की जो सोच है उसके अनुरूप हम काम। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 5 फरवरी से अलवर जिला मुख्यालय पर भंवर जितेंद्र सिंह ने शुरू किया। उसके बाद अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में जोर शोर से यह कार्यक्रम चला और हर घर जाकर कांग्रेस पार्टी की रीति नीति और उसकी योजनाओं को बताया गया, समस्या भी हल की गई। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त होती है तो हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम और हर घर कार्यक्रम ठंडे बस्ते में चला गया और यह ठंडा भी हो गया। युवाओं का जोश भी कम पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अब उनके संसद सदस्य समाप्त होने के बाद जैसे ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, भंवर जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर गांव स्तर पर इसको किया जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ है और सत्ता का सुख भोगने वाले कहाँ हैं, यह समय ही बताएगा। मैं मालाखेड़ा क्षेत्र के ग्राम मिर्जापुर में भागवत कथा जारी है। इस दौरान कथावाचक आचार्य गिरधारी लाल शर्मा ने कहा कि मनुष्य को मानवता के साथ अपना कर्म करते हुए कर्तव्य निभाना चाहिए। अच्छे कर्म का श्रेष्ठ और बुरे कर्म का प्रतिकूल फल यहीं पर मिलना निश्चित है। उधर भगवान कृष्ण की लीला का प्रसंग सुनाने के दौरान श्रद्धालु महिलाएं भाव विभोर होकर नृत्य करती दिखी। मालाखेड़ा के समीपवर्ती बिलेटा के सरपंच नवल किशोर गुर्जर को अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की ओर से सम्मानित किया गया है। जनित और पंचायती राज के श्रेष्ठ कार्य करने पर उन्हें प्रशस्ति पत्र, शॉल और मेडल प्रदान किए गए। सरपंच नवल किशोर ने महंगाई से राहत शिविर में भी अधिक से अधिक पंजीयन करवाकर मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण किया है। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर समरसता रत्न अवार्ड प्रदान किया गया। वहीं दूसरी ओर बिलेटा सरपंच नवल किशोर के अलावा रैनी बीडीओ कालूराम मीणा को भी राजीव गांधी समरसता रत्न अवार्ड मिला है। साथ ही इटोली सरपंच धर्मराज मीणा को भी सम्मानित किया गया। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच ने यह कार्यक्रम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रविवार को आयोजित किया। हल्दीना स्थित बाबा रामसा पीर के धार्मिक स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए बोरिंग करवाई जा रही है। जिला प्रमुख बलवीर छिल्ला, सरपंच और ग्रामीणों ने मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बोरिंग का उद्घाटन किया। वहीं जिला प्रमुख ने ग्रामवासियों की समस्याओं को भी सुना। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मालाखेड़ा प्रधान वीरवती और बांबोली सरपंच वीर सिंह चौधरी थे, जबकि अध्यक्षता हल्दीना सुनील चौधरी ने की। इन दिनों चिलचिलाती धूप में किसान अपने खेतों में प्याज के तैयार बीज निकालने के लिए परिवार सहित मेहनत में जुटे हुए हैं। अकबरपुर, परसाकाबाज और कुशलपुरा गांव में भी यह दृश्य नजर आता है। फरवरी में बोए गए प्याज के कण की गंठी बन चुकी है। आगामी समय में इसकी बुआई कर प्याज की खेती की जाएगी। इससे पहले किसान करीब 3 महीने अपने घरों में मचान बनाकर गंठी रखेंगे। इन्हें गर्मी और उमस से बचाने के लिए पंखे एवं कूलर भी लगाए जाते हैं। अगस्त माह में गंठी की बुआई की जाती है। तो किस तरह इनको करते हो, क्या क्या करते हो? अब शुरुआत में तो आप बीज की बुआई करें, जमा हो जब छोटा छोटा सा तना हुआ है बीज बारी बिल्कुल चाय को जैसे तो क्यारी काट के रहेगी बुआई करें। RBI द्वारा 2000 के नोट वापस लेने के ऐलान को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि 30 सितंबर तक बैंक से यह नोट बदलवाने या जमा करने की सुविधा दी गई है। जागरूक ग्रामीणों ने इस फैसले को उचित बताया है, साथ ही कहा कि निर्णय के पीछे राजनीति की बजाय काले धन पर काबू पाने की मंशा है। बहुत ये तो बहुत खुशी की बात है। इससे क्या है कि जो काला धन है, जो रखे हैं बड़े बड़े दो नंबर कमाने वाले पैसों को, पैसे वालों के पास बाहर आएगा धन, गड्ढियों की गड्ढे भरी पड़ी है, वो कहाँ लगाएंगे, उनका उनका नाश हो जाएगा और क्या होगा। बहुत अच्छी बात की बोली। तो RBI का सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है, नंबर एक का फैसला है। तो आम जनता कोई परेशानी वगैरह? कैसी जनता के पास 2000 का एक तो नोट नहीं और दूसरा 4 महीने का समय दिया है, तो उसमें आराम से बदला लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 2000 का नोट बंद किया, ये बहुत ही बढ़िया निर्णय है केंद्र सरकार का, रिजर्व बैंक का। और क्योंकि 2000 के नोट तो बड़े लोगों के पास ही रह गए हैं, 500 के नोट बाजार में हैं, इसलिए मोदी सरकार ने ये जो निर्णय लिया है अति अच्छा लिया है और इसको तो बंद कर देना है। मेरी राय तो ये कि 500 के नोट भी बंद कर देने चाहिए। RBI ने जो 2000 का नोट बंद किया है और वापस लेने का जो निर्णय है उनका बिल्कुल सही निर्णय है ये। आप देखोगे कि मार्केट में 2000 का नोट बहुत कम है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या काला धन छुपा के रखा है उनके पास 2000 के नोट मिलेंगे। आम जनता के पास कोई 2000 का नोट नहीं है, ना इनको आम जनता को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना आम जनता को कोई परेशानी होने वाली है इससे।
इनको तो जो काला धन छुपा के रखा है उनको ही परेशानी वाली है न, और उनको ही वो होगा इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आम जनता को कुछ भी नहीं परेशानी इससे, तो आम जनता को फायदा ही होगा। सरिस्का बाग परियोजना में साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खिलाड़ी डेविड मिलर ने घूमने का लुफ्त उठाया। इस दौरान उन्हें बाग की साइटिंग भी हुई। वे टैला गेट से सरिस्का के भीतर पहुंचे, साथ ही यहां सफारी कर खासे खुश दिखाई दिए। उन्होंने सफारी के दौरान भगानी क्षेत्र में ST-30 को देखा, वहीं स्थानीय अधिकारियों का आभार भी जताया। भिवाड़ी के गीतांजलि हॉस्पिटल में रविवार को यार अनमूल्य फाउंडेशन और लायंस क्लब ने हृदय जांच शिविर का आयोजन किया। इस कैंप में मरीजों की ECG, खून की जांच और शुगर की जांच फ्री की गई, साथ ही जरूरतमंद मरीजों को निशुल्क दवा भी दी गई। फाउंडेशन अध्यक्ष ने बताया कि गीतांजलि हॉस्पिटल के डॉक्टर सोम प्रकाश यादव के साथ इस विशाल कैंप की रूपरेखा तैयार की गई थी। इस कैंप में प्रधान कुलदीप मावर, सावित्री गौतम सहित पोरस सिंह, नवीन गुलाटी, विनीत सिसोदिया, SK त्यागी, डॉक्टर TK काचरू आदि का सहयोग रहा। रामगढ़ में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि रविवार को पंचायत समिति सभागार में मनाई गई। यह कार्यक्रम प्रधान नसरू खान के नेतृत्व में आयोजित हुआ। इस मौके पर राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ता कजोड़ी सैनी, खो कांग्रेस मंडल अध्यक्ष रामू मेघवाल, मनोज खंडेलवाल, अनिल खंडेलवाल, भुवनेश साहू, मनोनीत पार्षद अमित कुमार भारद्वाज, धीरज शर्मा आदि उपस्थित रहे। स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हम सब लोग कांग्रेस के साथी हमारे यहाँ उपस्थित हुए और पुण्यतिथि मनाने के लिए, और स्वर्गीय राजीव गांधी जी को मजबूत प्रधानमंत्री थे, देश के विदेश के लोग भी इनका लोहा मानते थे। इन्होंने जो काम किए कंप्यूटर क्रांति, इस तरह से इन्होंने मोबाइल का कंप्यूटर का सिस्टम शुरू किया, डिजिटल इंडिया की बात जो करते हैं शुरुआत राजीव राजू गांधी की थी। और जो 18 साल के अधिकार मताधिकार का जो 21 साल से घटाकर 18 साल किया। और वहीं स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि बड़ौदा मेयू नगर पालिका सभागार में चेयरमैन सुमन रूपचंद की अध्यक्षता में मनाई गई। इस मौके पर उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए, साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर GSSS अध्यक्ष प्रमोद उपाध्याय, चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद, रवि खान, नरेंद्र सेन, गौरी शंकर, पदम मीणा और पूर्व पंच कजोड़ी राम आदि उपस्थित रहे। नगर पालिका बड़ौदा मेयू में चेयरमैन आदरणीय श्रीमती सुमन की अध्यक्षता में देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। आदरणीय श्री राजीव गांधी जी देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कंप्यूटर क्रांति और IT सेल के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति की। उन्होंने ये समझा कि देश के किसान मजदूर वर्ग को सरकार की किस तरह से सीधा फायदा पहुंचे, इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था, इस सारी सुविधाओं को देखते हुए जनहित के कार्य किए। आज कस्बा बड़ौदा मेयू के समस्त ग्रामवासियों द्वारा बहुत ही भीववहनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। खैरथल जिले के OSD डॉक्टर OP बैरवा ने यहाँ विभिन्न अधिकारियों की बैठक ली। शनिवार दोपहर कृषि उपज मंडी कार्यालय में खैरथल, किशनगढ़बास, मुंडावर और कोटकासिम ब्लॉक के सभी अधिकारियों की बैठक ली गई। इस दौरान जिले की समस्याओं, औद्योगिक गतिविधियों, शिक्षा, रेवेन्यू और कानून व्यवस्था आदि बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। डॉक्टर बैरवा ने फीडबैक लेने के साथ ही दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने बताया कि खैरथल जिले के सीमांकन का कार्य चल रहा है, इसके अलावा प्रस्तावित कार्यालय की भूमि चयन को लेकर प्रक्रिया जारी है। उधर 23 मई को तिजारा और भिवाड़ी ब्लॉक के अधिकारियों की बैठक भिवाड़ी में होगी। भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में खैरथल कस्बे में विभिन्न कार्यक्रम हुए। यहां शनिवार शाम विशाल शोभा यात्रा और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मातो रोड से श्री परशुराम भवन में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि बेनामी पीठ रैनागिरी धाम के स्वामी बालका देवाचार्य महाराज रहे, साथ ही विशिष्ट अतिथि खैरथल के श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर के महंत शशि भूषण कल्याण मिश्र थे। समारोह में ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं सहित राज्य सेवा के चयनितों एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह के बाद शाम 5 बजे विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया, साथ ही पंडित चैतन्य लाल शर्मा के परिजनों की ओर से भंडारा किया गया।
खैरथल के निकटवर्ती ग्राम रसगन में महंगाई राहत शिविर का पूर्व प्रधान रोहिताज चौधरी ने अवलोकन किया, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवा कर लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा लाभार्थियों को गारंटी कार्ड भी वितरित किए। इस दौरान SDM पंकज भट्ट गुर्जर, तहसीलदार रजनी यादव, ADO देशराज यादव, जलदाय JN पूनम रानी, ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक और रामोतार चौधरी आदि मौजूद रहे। नौगांवा में अवैध हथियारों का जखीरा जब्त कर एक आरोपी को पकड़ा गया है। उसके कब्जे से 5 अवैध देशी कट्टे, एक बंदूक सहित मोटरसाइकिल जब्त की गई है। SHO बने सिंह के अनुसार SP आनंद शर्मा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर चिड़वा चौराहे पर नाकेबंदी के दौरान घेगोली में रह रहे रमन जाटों को दबोच लिया गया। वह इन हथियारों को बेचने की फिराक में था। 4-5 बजे नौगांवा थाने पर जरिए मुखबिर की सूचना मिली कि एक लड़का है जो सफ़ेद रंग की बाइक से सुनेड़ा की तरफ से चिड़वा चौराहे की तरफ आ रहा है, जिसके पास अवैध हथियार होने की सूचना थी, जो कि एक हथियार सप्लाई का काम करता है। इस सूचना पर मैं IC बने सिंह उपनिरीक्षक मैं हमारे जाब्ते के मौके पर पहुंचा, जहां पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान मैं लड़का सब उधर से सुनेड़ा की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसे घेरा डालकर पकड़ा गया और जिसका नाम पता पूछा तो अपना नाम रमन सिंह, पुत्र बच्चू सिंह होना बताया, जाति जाटक, उम्र 23 साल, निवासी जयसिंहपुरा का होना बताया। उसके बैग को चेक किया गया, जिसके पास में 5 अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक देसी बंदूक 315 बोर की मिली, जिसे जरिए फर्द मौके पर जब्त किया गया। बाइक जिसके बारे में पूछा तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, जिसे गिरफ्तार कर थाने पर लाया गया और प्रकरण दर्ज कर अभी अनुसंधान जारी है। कांग्रेस नेत्री जिला पार्षद संजना जाटो ने कठुमर के ग्राम घोसराना में दौरा किया। उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं को जाना और शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। वहीं कांग्रेस की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के सह संयोजक हरभजन सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। कठुमर पुलिस पर फायरिंग कर फरार होने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 14 नवंबर 2022 को पुलिस गश्त के दौरान 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 युवाओं को चेकिंग के लिए रोका गया था। इस पर एक मोटरसाइकिल पर बैठे युवक ने देशी कट्टे से पुलिस पर फायर कर दिया। इस प्रकरण में वांछित चरे ग्राम खेड़ा मैदान निवासी प्रदीप और पुष्पेंद्र जाटो को पकड़ लिया गया है। माचाड़े स्थित श्री नंगेश्वर धाम आश्रम में रविवार को महंत माधव दास महाराज के सानिध्य में गौरी गणेश सहित देवी देवताओं का पूजन हुआ। वहीं मूर्तियों का जलादिवास एवं अनादिवास का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ से पहले आचार्य विमल शास्त्री ने दीप प्रज्वलित किए। वहीं सहित भागवत आचार्य श्याम सुंदर शास्त्री, पंडित ऋषिकेश शास्त्री, पंडित जनार्दन, पंडित बनवारी लाल और नरेश शास्त्री ने वैदिक मंत्रों का पाठ किया। कार्यक्रम के तहत 23 मई को कलश यात्रा निकलेगी, साथ ही 24 मई से यज्ञ और श्रीराम कथा सहित रामलीला का आयोजन होगा। यहां आचार्य पंडित श्याम सुंदर शास्त्री कथा वाचन करेंगे। लायंस क्लब राजगढ़ की ओर से पक्षियों के लिए विभिन्न स्थानों पर 101 परिंडे लगाए जा रहे हैं। प्रांतीय सलाहकार खेम सिंह आर्य ने बताया कि शुरुआत में 31 स्थानों पर परिंडे लगाए गए। रविवार को गंगाबाग मेला का चौराहा, पटायरी की डूंगरी, मालाखेड़ा दरवाजा बाहर और शीतला माता मंदिर में यह अभियान चलाया गया। वहीं क्लब के अध्यक्ष अजय यादव के अनुसार आगामी दिनों में भी आसपास के मंदिरों और माचाड़ी घाटी सहित अनेक स्थानों पर परिंडे लगाने का कार्यक्रम जारी रहेगा। उधर इस अवसर पर मदनलाल शर्मा, NL वर्मा, प्रदीप महावर, संजय राजस्थानी, लोकेश रावत और शारदा दाधीच आदि उपस्थित रहे। गोंदरण कस्बे स्थित पंजाब नेशनल बैंक को क्रमोन्नत होकर स्केल 3 में लाया गया है। ऐसे में आमजन को बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। कस्बे में PNB शाखा 5 वर्ष पूरी खुली थी, साथ ही यहां वरिष्ठ प्रबंधक रामेश्वर अवस्थी को बनाया गया है। दूसरी ओर निवर्तमान शाखा प्रबंधक तरुण कुमार सैनी का एक कार्यक्रम में अभिनंदन किया गया। मान्य जो गोविंदगढ़ कस्बावासी, मैं आप सभी का इस सम्मान के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी के सहयोग से ही ये संभव हो पाया कि ये शाखा जो है आज स्केल 3 के स्तर पर मैं छोड़ के जा रहा हूं। मैं माननीय रामेश्वर अवस्थी जी के हाथ में ये शाखा सौंप के जा रहा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से और हमारे अथक प्रयासों से ये शाखा आगे भी इसी तरह प्रगति करती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी देख रहे हैं कि बैंकों में एक समस्या है कि NPA खाता होना, रिकवरी नहीं होना, उन चुनौतियों के बावजूद भी यहाँ पे एक बैंक आगे बढ़ी है, तो इसको कैसे देखते हैं सर? हम जो ये एरिया है हमारा, उस एरिया के अवसर को हमने पहचान लिया है कि किन क्षेत्रों में हमको अपना लोन का जो पोर्टफोलियो बढ़ाना है,
हम अपने बढ़िया ग्राहकों को बढ़िया सेवा देते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोन सुविधाएं जो है उनको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारे स्तर पे हमारी फॉलोअप भी इतना ज़बरदस्त रहा है कि हमारे यहाँ एनपीए का स्तर भी बहुत कम है, क्योंकि हम अच्छी सर्विस देते हैं। ग्राहक को समय पे उसका जिस तरह से ऋण का भुगतान करना है उसके बारे में भी शिक्षित करते हैं। तो शाखा के हमारे यहाँ भी जितने भी सभी लोन के ग्राहक है वो समय पर अपना ऋण भरते हैं और आगे से आगे हमारे को व्यापार का अवसर देते हैं। शाखा में नया आया हूँ, लेकिन पूरे ग्राहकों को यह आश्वस्त करता हूँ कि जिस गति से इस शाखा ने अभी तक प्रोग्रेस की है उससे भी बेहतर गति से हम और प्रोग्रेस करेंगे और ग्राहकों को की नीड को समझते हुए उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको सेवाएं देंगे। हमारे यहाँ जब ये इसकी नींव रखी गई थी वो कुछ ऐसा शुभ मुहूर्त था जो इसकी नींव रखी गई थी। जैसे जैसे ब्रांच मैनेजर हमारे यहाँ गुप्ता जी आए, उन्होंने अथक प्रयास किया और अथक प्रयास उनके बाद महेंद्र दत्ता जी आए, उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया और करीब 70-72 करोड़ के आसपास वो छोड़ के गए थे। उनके बाद जहांगीर साहब आए थे, जहांगीर साहब के बाद हमारे तरुण सर आए थे। तो इस तरह का कार्यकाल यहाँ रहा, कुछ गांव का सहयोग पूरा था स्टाफ की वजह से, कुछ शाखा प्रबंधकों की तरफ सहयोग से ये बुलंदियों पर छूती चली गई और आज हमको 6 साल में जो 20 साल में नियुक्ति वो 6 साल में हमारे स्किल थ्री ब्रांच। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल रोगा ने कहा कि बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। इन शुरू में विद्यार्थियों को भाषा साहित्य और संस्कारों का ज्ञान होता है। रोगा पूज्य सिंधी पंचायत खैरतलू भारतीय सिंधु सभा की ओर से आयोजित सिंधी बाल संस्कार शिविर को संबोधित कर रहे थे। यह शिविर भगवान झूलेलाल मंदिर के संरक्षक बाबा शीतलदास लालवानी के सानिध्य में हो रहा है। गोंदगढ़ में निशुल्क राशन किट वितरण कार्यक्रम मोती कुंजी धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस दौरान जरूरतमंदों को राशन का सामान प्रदान किया गया। साथ ही गांधी पार्क में निशुल्क भोजन का आयोजन हुआ। समिति के मीडिया प्रभारी ओमदीप पुनिया ने बताया कि यह व्यवस्था पिछले 20 वर्षों से जारी है। इस मौके पर गिरिराज मीणा, रामेश्वर रावत आदि उपस्थित रहे। आज राशन वितरण कार्यक्रम है, इसमें करीब 150 लोगों को हम राशन वितरण करते हैं। ये गरीब असहाय निर्धन विधवाएं ये राशन देती हैं। ये राशन लेती हैं, इनको हम 5 किलो आटा, 10 किलो आटा, नमक मिर्च हल्दी जीरा चीनी चाय सब कुछ देते हैं और करीब 250 लोग खाना खाते हैं। आज सब 250 लोग का खाना खाते हैं और ये हमारी दिनचर्या चल रही है, रोज फ्री सेवा है। बड़दोमेव कस्बे के श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आयोजन से जुड़े धर्मवीर सिंह चौधरी ने बताया कि समाज सेवी नियाल सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर यह कैंप लगाया गया। इसका उद्घाटन जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने किया। उन्होंने गंडूरा रोड पर वाटर कूलर का फीता काट कर उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में प्रधान रसनम गोपाल चौधरी, नगर पालिका चेयरमैन सुमन रूपचंद, पूर्व प्रधान सुखवंत सिंह, पूर्व उप प्रधान बने सिंह जाखड़, बाम्बोली सरपंच वीर सिंह आदि मौजूद रहे। समाज सेवी स्वर्गीय निहाल सिंह सरपंच रेस्ती की प्रथम पुण्यतिथि 21 मई 2023 के अवसर पर हजारों की तादाद में बड़ौदा में कस्बे एवं आसपास के हजारों की तादाद में लोगों ने उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जन सेवा के लिए श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान ने एक वाटर कूलर लगवाया, इस अवसर पर 165 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। मैं उन रक्तवीरों का विद्यालय परिवार से की तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। तथा उसके बाद में ENT और स्वास्थ्य संबंधी अलवर और जयपुर से डॉक्टर्स की टीम आई, उस समय निशुल्क मेडिसिन और उनकी जांच की गई। प्रथम ब्लड डोनेट मैंने किया है, मुझे अति हर्ष है। मेरा ब्लड डोनेट किसी अच्छे काम के लिए, जरूरतमंदों के लिए काम आए। परमेश्वर कबीर के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में शहर में रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई। वक्ताओं के अनुसार 626 साल पहले कबीर पृथ्वी पर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। इसके बाद नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उनकी परवरिश की थी। वे 120 साल तक धरती पर रहे और अपने काव्य के जरिए सभी का मार्गदर्शन किया। वहीं यह शोभा यात्रा हनुमान सर्किल से आरंभ होकर नंगले सर्किल और होप सर्कस होते हुए कला कॉलेज जाकर संपन्न हुई। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
पीटीईटी परीक्षा में ओएमआर शीट बदलने से फैली बद इंतजामी, वहीं कई केंद्रों पर प्रवेश नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में पनपा रोष। अलवर सहित 13 जिलों को ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट पर अमल का बना इंतजार, वहीं मंत्री जूली ने जल संकट के लिए भाजपाई जनप्रतिनिधियों को बताया जिम्मेदार। सरिस्का में वन्य जीव गणना का हुआ आगाज, बाघ भगेरों सहित अन्य जीवों की 28 मई तक होगी गिनती। और बीवी से झगड़ा कर घर से निकले पति सहित दो बच्चे हादसे में हुए घायल, वहीं कार की टक्कर से जख्मी छात्र ने तोड़ा दम। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवाड़ी को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।